ग्रुप की बैठक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग रोकने में मील का पत्थर साबित होगी। सभी बड़े देशों को एकजुट होकर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एकजुट होकर बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं विश्व में आतंकवाद के पोषण पर नियंत्रण के लिए अलग अलग देशों का एकजुट होना बड़ा कदम है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। भारत में डिमोनेटाइजेशन डिजिटलाइजेशन के माध्यम से पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था के लिए विशेष प्रयास हुए हैं। आधुनिक तकनीक के उपयोग से अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए EAG ग्रुप देश को मजबूत कूटनीति और सशक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए EAG ग्रुप देशों के प्रयास प्रभावी परिणाम कारक सिद्ध होंगे। कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने EAG अध्यक्ष यूरी चकानचिन को इंदौर में यूरेशियन गार्डन का प्रमाण पत्र भेंट किया। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ राज्यपाल पटेल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा, धन शोधन और आतंकवाद को वित्त पोषण की रोकथाम के लिए यूरेशियन देशों का ग्रुप महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, भारत सरकार टेरर फंडिंग के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। भारत में काला धन अधिनियम आर्थिक अपराध को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं और लगातार जारी है। भारत में साफ और पारदर्शी वित्तीय प्रणाली के लिए GST डिजिटल इंडिया के तहत विशेष प्रयास किए गए हैं। UPI डिजिटल लेन देन को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। भारत में परिवर्तन निदेशालय लगातार सशक्त हो रहा है। भारत की सभी एजेंसियों द्वारा मिलकर आतंकवाद और अग्रवाद को धन पोषित करने वाले मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रभावी और कड़ी कार्रवाई हो रही है। भारत के इन प्रयासों को और सशक्त बनाने में EAG ग्रुप की बैठक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। सर, ये जो अग्रवादी ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, काफ़ी अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करा है। जो पेमेंट्स जो ग्लोबली ग्रो कर रही है और इंडिया में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, उस पेमेंट को सिक्योर और ट्रस्टेड बनाने के लिए काफ़ी सारे सजेशन वगैरह और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुए हैं। हमारी तरफ से सर जो भी सजेशन थे अग्रवाल जी ने एनए में पहले ही सुन लिया था, बट एक तो सजेशन है जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कैसे मिटिगेट करें, बिकॉज इस पर सिर्फ इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज की कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। आई थिंक दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट अदरवाइज सर हमारे अग्रवाल जी से बातें होती रहती है तो काफ़ी सजेशन हमारे उनको पता ही है। मैम, आपने आज एक प्रदर्शनी भी लगाई है, क्या रहा और क्या आपके द्वारा सजेशन दिए गए हैं? मैं बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स भी आए हैं जैसे आपको पता है, तो उन लोगों को सबको इतना इंटरेस्टिंग लगा देखने के लिए कि इंडिया में कितनी ग्रोथ हो रही है ट्रेनिंग और एजुकेशन स्पेस और फाइनेंशियल साइड में, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग सबको इक्विप कराएँ और नॉलेज दें कि कैसे फाइट करना है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो इंटरेक्शंस भी बहुत अच्छे रहे और अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी। आपसे मुलाकात भी करी है अग्रवाल जी ने जो सचिव हैं, और आपके द्वारा कोई सजेशन भी दिया गया है, क्या सजेशन आपके द्वारा दिया गया आपको? तो सर ने तो बहुत एनकरेज किया है और बोला है कि कंटिन्यू करें इस स्पेस में, क्योंकि ग्रोथ जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो हो रही है, क्योंकि हम एक एडुटेक का हम लोग एजुकेट कर रहे हैं लोगों को फाइनेंशियल क्राइम के अगेंस्ट, तो सर ने कहा है कि बहुत ही ज़रूरी है और इनकरेज किया है और बहुत सारे आइडियाज़ दिए कैसे बढ़े सर। ज्योति और हमारे पार्टनर है पल्लवी अजमेर, तो हम दोनों लेडीज मिल के ये वोट क्रिएट करें। क्या प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी लगाई है, क्या है पूरा मामला? ये जो हम लोग डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जो आप आजकल सुनते हो कि घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन करें या लोन ले दो, उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी थी वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये टेक्नोलॉजी को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना पड़ता है, जहाँ कस्टमर को ईज देना है, उसके साथ साथ हमें मेक श्योर करना है कि सब सिक्योर और सेफ भी हो, कोई गलत आदमी अकाउंट नहीं खोल रहा हो, कोई गलत आदमी लोन नहीं ले रहा हो। उसके पीछे की जो AML एक्टिवली लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी है वो हम देते हैं, और उसके लिए हम आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अग्रवाल जी ने आपसे चर्चा भी करी, आपने उनको कुछ सजेशन भी दिए हैं जी, क्या सजेशन दिया आपने? नहीं, विवेक जी पूछ रहे थे कि कैसे कैसे क्या और रोका जाए, क्या करा जाए, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उनसे वही सिर्फ में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि वो FIU है, सेंट्रल बॉडी है, तो हम लोग काफ़ी क्लोजली FIU के साथ काम करते हैं, सो दैट ऑल दिस बैंक्स NBFCs जितनी भी अपनी फाइनेंशियल कंपनीज है उन्हें ये नई टेक्नोलॉजीज का फ़ायदा।